अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको खुश आमदेद। ये वीडियो है जिसमें मैंने डिस्कस किया है काशी इंटीग्रल फार्मूला को। तो सिंपल फॉर्म काशी इंटीग्रल फार्मूला की क्या क्या, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई ओटा इंटीग्रल लॉन्ग सी, सी जो है वो कंटूर है, एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड जीरो डी जेड। और अगर हम 2 पाई ओटा को मल्टीप्लाई करें दूसरी साइड पर तो इंटीग्रल की वैल्यू आती है 2 पाई ओटा इंटू एफ ऑफ जेड जीरो। तो बेसिकली हमारे पास इंटीग्रेंट है एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस जेड जीरो। तो ये जो इंटीग्रेंट है ये या इंटीग्रल में जो वैल्यू दी गई है ये आप जेड जीरो के ऊपर एनालिटिक नहीं है, तो इसलिए हम काशी इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करते हैं। और दूसरा ये है कि इसमें अगर ये जेड जीरो जो है ये कंटूर अगर मैं लूँ सी और अगर इसके अंदर इन साइड लाई करे जेड जीरो, तो फिर हमने इस पॉइंट के ऊपर जो है इंटीग्रल जो है वो कैसे फाइंड करना है, बाय यूजिंग काशी इंटीग्रल फार्मूला। तो काशी इंटीग्रल फार्मूला हमें हेल्प करता है टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एट विच फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। इसकी दूसरी जो फॉर्म है, अगर जेड माइनस जेड जीरो की जो होल पावर है 1 हो तो फिर हम सिंपल ये फार्मूला यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास जेड माइनस जेड जीरो की फॉर्म 1 के अलावा हो, होल पावर 1 के अलावा हो, तो फिर हम जो इसकी जो ये वाली फॉर्म है एन प्लस 1 डी जेड 2 पाई ओटा डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल एन एच डेरीवेटिव ऑफ एफ, और फिर उसको डेरीवेटिव को हम जेड जीरो पर एवेल्यूएट भी करते हैं उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, और n की वैल्यू है यहाँ पे 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं ताकि आपको ओवरऑल काशी इंटीग्रल फार्मूला की वर्किंग अच्छी तरह समझ आ जाए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/z dz और कंटूर हमें ये यूनिट सर्कल दी गई है। ये यूनिट सर्कल आ गया हमारे पास, ये ओरिजिन, ये इसका 1 माइनस 1 iota माइनस iota। अब ये फंक्शन 1/z जो है वो एनालिटिक नहीं है जीरो के ऊपर, और जीरो जो है वो इनसाइड दिस कंटूर लाई कर रहा है जो कि यूनिट सर्कल है। तो यहाँ पे हम काशी इंटीग्रल की जो सिंपल फार्मूला है वो यूज करेंगे। जेड जीरो, हम जेड को इधर जीरो लिखें तो ये हमारे पास ये 1 जो होगा ऊपर ये हमारे पास एफ ऑफ जेड आ जाएगा, और ये जो जीरो है ये जेड जीरो आ जाएगा। तो काशी इंटीग्रल फार्मूला के लिए हमें यही दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं कि व्हाट इज जेड जीरो एंड व्हाट इज एफ ऑफ जेड। तो फिर हम ये वाली फॉर्म जो राइट हैंड साइड पर 2 पाई ओटा एफ ऑफ जेड जीरो है वो यूज़ करेंगे और इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेंगे। ये मैं काशी इंटीग्रल फार्मूला की फॉर्म लिख लेता हूँ, 2 पाई ओटा एफ ऑफ जेड जीरो। अब 2 पाई ओटा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। एफ ऑफ जेड जीरो, एफ ऑफ जेड हमारे पास जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है डेट इज इक्वल टू 1, और इसमें जब हम जेड जीरो की वैल्यू पुट करेंगे विच इज इक्वल टू 0, तो 0 जब कांस्टेंट फंक्शन है तो आंसर 1 ही आएगा। तो 2 पाई ओटा इसका ओवरऑल आंसर आ गया। जो दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ उसमें हमने इंटीग्रेंट लिया है 1/z2। अगेन ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है जीरो के ऊपर, और ये कंटूर जो है वो यूनिट सर्कल ही है और ये इन साइड लाइक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो जेड जीरो है वो ज़ीरो है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसकी जो पावर है वो स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, इसलिए मैं इसको लिखूँगा 1 प्लस 1। ये 1 जो है वो हमें जब हम 1 को सेपरेट करेंगे 1 प्लस 1 लिखेंगे तो हमें n की वैल्यू पता चलेगी। तो n यहाँ पे 1 है, जेड जीरो ज़ीरो ही है, और एफ ऑफ जेड हमारे पास इस केस में भी जो है वो कॉन्स्टेंट फंक्शन डेट इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें, तो इसका एक डेरिवेटिव लेंगे तो विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब जब इसमें आप डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास 0 ही आ जाएगा। काशी इंटीग्रल फार्मूला अगेन लिखेंगे 1/z² dz 2 पाई ओटा डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल एफ प्राइम ऑफ 0। 2 पाई ओटा एज इट इज 1 फैक्टोरियल 1 है तो ये यही आ जाएगा, और एफ प्राइम ऑफ 0 0 के इक्वल है, तो ओवरऑल आंसर आपके पास 0 आ गया इस इंटीग्रल का। अगला क्वेश्चन जो है वो मैंने एक इंटीग्रेंट लिया है 1/z इंटू जेड माइनस 1।
और जेड इंटू जेड माइनस वन को इक्वल टू जीरो रखेंगे, जेड इज इक्वल टू जीरो या जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो आएगा। और अगर हम जेड माइनस वन को उधर लेके जाए तो जेड इज इक्वल टू वन। तो दो पॉइंट हैं जिसपे फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा, जीरो और वन। अब देखते हैं कि कंटूर क्या है। कंटूर हमारे पास अगेन यूनिट है, लेकिन हमने सेंटर इसका चेंज कर दिया, सेंटर हम इसका वन पे ले गए। तो ये येलो जो है ये आपके पास कंटूर है, और आप देख सकते हैं कि जेड जो वन है वो इनसाइड द कंटूर लाई कर रहा है क्योंकि वो इसका सेंटर है। और जो जेड इज इक्वल टू जीरो है वो आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, आउटसाइड द कंटूर सी। तो इसका मतलब है कि हमें इस इंटीग्रेंट को आप इस तरह लिखना पड़ेगा, जो फैक्टर जिसमें वन है वो डिनोमिनेटर में रहेगा और बाकी जो चीज़ है जैसा वन ओवर जेड है, जेड है इसको हम ऊपर करके वन ओवर जेड लिख देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में जेड माइनस वन। अब इस केस में हमारा एफ ऑफ जेड जो है वो ये वाली वैल्यू है और जेड जीरो जो है वो हमारे पास वन के इक्वल है। और क्योंकि z माइनस वन की होल पावर वन है तो इसलिए सिंपल जो फार्मूला है वो यूज होगा, टू पाई ओटा इंटू एफ ऑफ जेड जीरो की जो वैल्यू है वो हम फंक्शन में पुट करेंगे। तो टू पाई ओटा इंटू एफ ऑफ जेड जीरो, क्योंकि वन है तो एफ ऑफ वन यानी कि एफ ऑफ जेड की वैल्यू एट वन निकालेंगे, तो एफ ऑफ जेड वन ओवर जेड है और जब इसमें मैं वन पुट करूंगा तो वन ओवर वन ओवरऑल आंसर वन आ जाएगा। तो इसका आंसर टू पाई ओटा आ गया। वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।